पुत्र ने अंधे का रूप धारण कर लिया, थोड़ी दूर हट करके बैठ गए, रोने लगे। आवाज लगाई, भैया आज हमें 5 दिन हो गए जो भोजन नहीं मिला, भूख के कारण मेरी जान जा रही है, अगर मेरी आवाज कोई सुन रहा हो तो हमें भोजन दे दे। महाराज हरिश्चंद के कान में आवाज पड़ी, एक बात सोची कि हमें तो 4 ही दिन हुए और इस अंधे को 5 दिन हो गए, चला हम नहीं खाए, अपना भोजन उठाया और उस अंधे को दे दिया। और यही तो है अपनी संस्कृति, भूख लगे तो खाओ, ये प्रकृति है, और भूख न लगे फिर भी खाओ, ये विकृति है, और खुद भूखे रह करके किसी दूसरे भूखे को खिला दो, यही तो अपनी संस्कृति है। वैसे खाना जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। हाँ, और हम तो देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं, खिला दो सुला दो कोई मतलब नहीं। दूसरा दिन हुआ उतना ही काम फिर से किया, मैत्र ने जब भोजन दिया तो विश्वामित्र जी कोड़ी का रूप धारण करके रोने लगे। मेरे कहने का मतलब यह है, 1-2 दिन नहीं 26 दिन हो गए हरिश्चंद के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया, शरीर सूख करके कांटा हो गया। एक जगह पर बैठ जाते हैं तो उठने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैत्र नजदीक पहुंच गया, जवाब दिया, हरिश्चंद मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी जो हम तुम्हें खरीद के ले आए, अगर मैं पहले जानता कि तुम इतने बड़े हरामी हो तो हम तुम्हें खरीदते नहीं, सारे दिन भोजन में लगे रहते कोई काम नहीं करते। बोले महाराज अभी मुझे क्या करना, ये घड़ा उठाओ इसमें जल लेके आना। तो हाथ घड़ा ले हरिचंद और भज के नदिया लो जइयो, पहले करियो काम फिर तुम लात की खाना खइयो। ये घड़ा लेके जा, इसमें जल लेके आना। महाराज हरिश्चंद ने घड़ा उठाया, ये चले हरिश्चंद ने घड़ा भर तो लिया, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी उस घड़े को उठा लेते। क्या देखा, क्या देखा है कि सामने से तारा आ रही है। तारा को देख करके महाराज हरिश्चंद के दिल में कुछ तसल्ली बंधी, एक बात सोची है कि ये मेरी रानी है, इसने एक दिन ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे, तो आज ही मेरा घड़ा भी उठवा देगी। तब तक तारा सामने पहुंच गई, तारा ने देखा तो पहचान लिया, महाराज आप तो इतने कमजोर हो गए, क्या रोहतास की याद में तुमने भोजन नहीं किया। हरिश्चंद कहते हैं, तारा सच तो ये है, हमारा तुम्हारा सुख तो उसी दिन से छूट गया था जब हम और तुम काशी में आके बिके थे। तारा मेरे शरीर में शक्ति नहीं है, इसलिए महाराज हरिश्चंद ने एक इशारा किया, तारा
तुम मेरा घड़ा उठवा दो। तारा कहती है महाराज घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे घड़े से हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या मतलब? क्या तुम मेरी रानी नहीं हो? क्या तुमने ये कसम नहीं खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे? क्या अलग रहने से दिल भी अलग हो जाता है तारा? तारा बोली महाराज बात वो नहीं है, बात सिर्फ इस बात की है, तुम्हारे हाथ में तो मैतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने तुम्हारे घड़े से हाथ भी लगाया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। जरा सोचो, पर मैं ब्राह्मण के घर में कैसे जाऊंगा? इसलिए महाराज मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। तारा बोली महाराज बोले महाराज आप जब जल के अंदर घुसोगे तो ताकत कुछ कम लगेगी, घड़ा उठा लेना चले जाना। तारा ने जैसे ही इतने शब्द कहे अपना घड़ा उठाया अपने सर पर रखा और वो तो वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र बैठे के बैठे ही रह गए। एक बात सोची है, क्या ये बहिरानी है? एक दिन इसने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारे सुख और दुख में साथ देंगे, ये बहिरानी है जो एक दिन मेरे साथ में बिक गई, आज इसने मेरा घड़ा भी नहीं उठाया। शायद पहले इसका कोई स्वार्थ था हमसे, शायद पहले इसका कोई मतलब था हमसे, अब कोई मतलब तो रहा नहीं इसलिए इसने मेरा घड़ा नहीं उठवाया। और जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार, पिता कहे ये पूत सपूता कल मंद होशियार, जगत में मतलब को व्यवहार। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार और जो न को लायक न देवो तो फिर मुखड़ा लेती बिगाड़, जगत में मतलब को व्यवहार। यहां तुम्हारे मतलब में कोई नहीं है। आप अगर किसी के पास में जाते हो तो उसके मतलब से नहीं बल्कि अपने मतलब से। आपके पास में अगर इतनी शक्ति नहीं थी इतनी ताकत नहीं थी उस घड़े को घर तक ले आते, ठोकर लगी घड़ा जमीन पर गिर पड़ा टूट गया। रीते हाथों महाराज हरिश्चंद महतर के नजदीक पहुंचे। महतर ने पूछ लिया हरिश्चंद वो घड़ा कहां है? बोले महाराज वो तो टूट गया। टूट गया, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी तो हम तुम्हें खरीद करके ले आए। अगर मैं पहले जाता इतने बड़े हरामी हो तो हम तुम्हें खरीदते नहीं। तुमने उस घड़े को भी तोड़ दिया, इसी बात को लेके आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा और ये काम अब तुमसे नहीं होंगे। मेरी लाठी उठाओ, मरघट पर जाओ, कथन उघाड़ो, एक बात का ध्यान रखना, बिना टका के कोई भी मुर्दा ना जले। महाराज हरिश्चंद ने लाठी उठाई, ये मरघट पर पहुंच गए। उधर ब्राह्मण ने तारा से एक बात कही, तारा जब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को हम खरीद करके लाए हैं वो तो सारे दिन खेलने में ही लगा रहता है, कोई काम नहीं करता। भाई उसे ये कहो बगीचे में चला जाए और पूजा के लिए फूल ले आए। तारा ने बुला लिया, बेटा तुम बगीचे में चले जाओ फूल ले आओ, देर नहीं की। माती की
पास ने एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। फूल एक खिला हुआ अभी सियर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ अभी सियर छिपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। बगीचे में जब पहुंचे हैं तो क्या देखा, एक बड़ा सुंदर पुष्प खिला है। सोई फूल तोड़े देखो रोए हितने, जब हंसी के हाथ बढ़ाए हो है। विश्वामित्र ने नाग बन के बकी उंगली में दसिखायो, जैसे ही आगे को हाथ बढ़ाया विश्वामित्र जी ने सर्प बनकर के रोहितास की उंगली में दस लिया। रोहितास उसी जगह पर बिलखने लगा। विश्वामित्र जी भागे, काशी की गलियों में आवाज लगाई है किसी का लड़का बगीचे से फूल लेने के लिए गया, लेकिन एक निर्दयी सर्प ने उसे डस लिया। जिस किसी का भी हो अपने बच्चे को ले आए। तारा भोजन बना रही थी, तारा के कान में जब आवाज पड़ी तो एक बात सोची कि मेरा लड़का भी गया था। ब्राह्मण के सामने दोनों हाथ जोड़े, महाराज मैं अपने बच्चे को देखा हूं। जवाब दिया, अभी नहीं, पहले भोजन बना उसके बाद में जा। रोते रोते भोजन बनाया। महाराज मैं जाऊं? ब्राह्मण कहने लगा, अभी नहीं, पहले भगवान का भोग लगा उसके बाद में जा। बाबा तुलसीदास जी सच कहते हैं, पराधीन सपने सुख नाई करे विचार देखो मन माए। तारा फिर सामने खड़ी हो गई, महाराज मैं जाऊं? वहां से आज्ञा लेकर के तारा बगीचे में पहुंची है तो क्या देखा है, रोहितास बिलक रहा है। एकदम से रोहितास को गोद में उठा लिया। क्या हुआ मेरे लाल? तारा को जब देखा है रोहितास ने, कहने लगे मैया मुझे सर्प ने डस लिया है और अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे मां, इसलिए तुम रोना नहीं। तारा बोली, बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम कहां जाएंगे बेटा। आंसू देके तारा बोली, लाल तुम्हें कुछ भी नहीं होगा रोहितास, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम कहां जाएंगे, मेरा और कौन है। रोहितास कहते हैं, मैया तुम इस बात को क्यों भूल रही हो, इस संसार में जो भी आता है वो चला जाता है। मैया मेरी मां तो ये दुनिया आनी जानी है और रहना नहीं है, मां तो ये तो भूमि बिरानी है, इसलिए मैया मेरी मात करो कर ले अपनो पहले सब रे गांठी जन्म बेटा ने ली। तारा बोली, बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। रोहितास कहते हैं, मैया अंत में सिर्फ मेरा एक कहना है,
बसाई नहीं। मैया बिलखती रही गई गोदी से जब बेटा बनी हो, मैया बिलखती रही गई गोदी से जब बेटा बनी हो। तारा के गोद में ही रोहितास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया और बता।